नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LMCS दिल्ली ने निकाली रिक्तियां। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LMCS दिल्ली ने नर्सिंग अटेंडेंट पद के लिए कुल मिलाकर 35 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं पास और नर्सिंग में डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 13 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.lhmc.hosp.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में 1 मार्च से खुल जाएंगे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल। 9वीं से 12वीं और फिर 6ठी से 8वीं तक के कक्षा खुलने के बाद अब बिहार में 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं का संचालन करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत अगले महीने से प्राइमरी क्लास को खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद सभी स्कूल का संचालन पहले की तरह होने लगेगा। हालांकि अभी भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। इस बाबत मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शनिवार को बताया है कि सरकार ने पहली से 5वीं तक के सभी कक्षाओं को खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है। इसके तहत स्कूल और कक्षा में COVID-19 के प्रावधानों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक दिन में 50% बच्चे ही स्कूल जाएंगे। इसके अगले दिन अन्य 50% बच्चों को स्कूल आने की अनुमति रहेगी। इसकी व्यवस्था स्कूल प्रशासन को करने का निर्देश दिया गया है। बिहार के सभी गाँव में मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा। बिहार के शहरों की तरह ही अब गाँव में भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलने वाली है, जिसके तहत बिहार के सभी गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर केंद्रीय कानून, आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अप्रैल महीने तक राज्य के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। संपतचक प्रखंड के कन्नौजी कछुआरा गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी सुविधा प्राप्त हो जाने से गाँव में ही हमारे विद्यार्थियों को देश के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान की सुविधा प्राप्त हो सकेगी, वो अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक देश एक दर होने की कही बात। बिहार में आज के समय में बिजली की कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको जो बिजली मिलती है वो केंद्र सरकार की तरफ से काफी महंगे दर में मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब नीतीश कुमार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी मांग रखी है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार वासियों को मिलने वाली बिजली काफी ज्यादा महंगी मिलती है, इसीलिए पूरे देश में एक देश एक दर नियम को लागू होना चाहिए ताकि बिहार को थोड़ी रियायत मिल सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार के माध्यम से जो अलग अलग राज्यों में बिजली दी जाती है उसकी रेट में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। बिहार को महंगे दर में बिजली मिलती है, इसीलिए लोगों को राज्य सरकार की तरफ से ज्यादा अनुदान देना पड़ता है। अगर पूरे देश के लिए एक ही नीति लागू कर दी गई है तो ये बिहार के लिए काफी सहूलियत भरा होगा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार को एक बंदरगाह अलॉट करने की बात भी कही है। बिहार बोर्ड प्रतियोगी परीक्षा के लिए हाईकोर्ट ने एक परीक्षा एक नीति के तहत काम करने की दी सलाह। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में बिहार बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नीति बनाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने 35 छात्रों की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि STET 2019 की परीक्षा में गणित विषय की परीक्षा 3 अलग अलग तारीखों में ली गई थी। 3 तारीख पर अलग अलग स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। आलम यह था कि कई प्रश्न सिलेबस के बाहर से ही पूछे गए थे। हालांकि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद छात्रों को प्रश्न पत्र के बुकलेट उपलब्ध करवाए गए थे, जिसके बाद ही छात्रों ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद ही कोर्ट ने अब जाकर एक परीक्षा एक नीति बनाने पर ध्यान देने की बात कही है। बिजली मीटर की जांच करवाना हो सकता है और ज्यादा महंगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम सूचना। बिजली मीटर खराब होने पर उसकी जांच में अब अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष मीटर जांच का शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है, जिसके तहत प्रस्तावित शुल्क 200 से लेकर 1100 रुपए तक है। अगर आयोग की बुहर लग गई तो लोगों को 1 अप्रैल से नई दर के अनुसार ही मीटर जांच करानी होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उपभोक्ताओं के कनेक्शन के अनुसार लोगों को अलग अलग मीटर दिए जाते हैं। घरेलू श्रेणी में अधिकतर उपभोक्ता सिंगल फेज मीटर का उपयोग करते हैं, जबकि व्यावसायिक छोटे उद्योग बड़े उद्योग में मीटर अलग होते हैं। अब समस्तीपुर तक जाएगी किसान रेल। जहां एक तरफ देश के किसान का एक अहम हिस्सा सरकार की नीति से नाराज नजर आ रहा है, वहीं बिहार के किसानों के लिए सरकार कई सारे रास्ते खोलने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में अब बिहार के किसानों को और ज्यादा सहूलियत देने के लिए समस्तीपुर तक किसान रेल की सुविधा मिलने वाली है, जिसके बाद अब बिहार से किसान रेल के माध्यम से स्ट्रॉबेरी, मखाना और परवल दूसरे प्रदेशों में भेजा जाएगा, जिसके बाद इस ट्रेन का समस्तीपुर तक विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही जल्द ही किसान रेल का ठहराव भोजपुर जिले के आरा और बक्सर जिले के डुमराव से शुरू करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत सासाराम और मोहनिया से छोटी मालगाड़ी के मदद से फल और सब्जियों को मुगलसराय पहुंचाने की सहूलियत मिलने वाली है। इस योजना में मखाना ढुलाई का खास ध्यान दिया जाएगा। सुशील मोदी ने लालू की ब्रांड वैल्यू खत्म होने की कही बात। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने हाल ही में लालू यादव को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि लालू यादव की राजनीतिक ब्रांड वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो गई है। यही कारण है कि साल 2020 में हुए चुनाव में राजद ने अपने पोस्टर से उनकी फोटो को ही हटा दिया था। स्थिति में वो या तो जेल में रहे या फिर बाहर आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी
पूरी तरह से न्यायिक मामला है। इससे बिहार के मजबूत एनडीए सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आलम यह है कि राजद पार्टी के अंदर बढ़ रही हताशा से बाहर निकालने के लिए ही लालू यादव के बाहर आने की कामना की जा रही है। बिहार की जनता अब समझदार हो गई है। लालू यादव के पक्ष में जिन निकलने का काम बहुत पहले ही बंद हो गया था, जो कि हमने लोकसभा और विधानसभा में भी देख लिया जिस समय लालू यादव बाहर थे। बिहार के लोगों में अब नहीं दिखेंगे नाटे होने का लक्षण। बिहार वासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। बिहार में औसत ऊंचाई जहां पहले कम थी, वहीं अब ऊंचाई बढ़ने लगी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में यह बात निकलकर सामने आई है कि बिहार में अब लोगों के नाटेपन में तेजी से सुधार हो रहा है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में पिछले 15 साल के दौरान लोगों की लंबाई में औसतन काफी सुधार आया है, लेकिन राज्य के दो जिले सीतामढ़ी और शेखपुरा में नाटेपन का औसत आज भी सबसे ज्यादा है। मिली जानकारी के अनुसार 2015-16 और बिहार के 48.3% बच्चे नाटेपन का शिकार थे, तो वहीं यह दर घटकर 42.9% रह गई है। वहीं पिछले 4 साल में बच्चों के नाटेपन में तेजी से सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी 43% बच्चों में नाटापन है और इसमें तेजी से हो रहे सुधार लोगों के लिए अच्छे संकेत है। अगले 2-3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज बदला नजर आने वाला है। ठंड के बाद अब लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि राजधानी समेत पूरे राज्य में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए हुए देखे गए हैं। इस तरह की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार के आकाश में आंशिक रूप से बादल देखने को मिल रहे हैं। 3 दिनों के बाद राज्य का आकाश फिर से एक बार पूरा साफ हो जाएगा। अच्छी धूप निकलने की उम्मीद है। फिलहाल प्रदेश में बारिश के आसार जताए नहीं गए हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि राज्य में आकाश में अभी तक बादल का आना जाना लगा रहेगा। धीरे धीरे राज्य का आकाश साफ होगा, इसके बाद अच्छी धूप निकलने लगेगी। इंग्लैंड के खिलाफ अगले मैच के लिए भारतीय टीम के टीम 11 की हुई घोषणा। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही है, जिसके तहत यह दोनों टीम फिलहाल 1-1 के स्कोर के साथ बराबरी कर रही है। वहीं तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, जिसके तहत भारतीय टीम के टीम 11 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर का नाम शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी भारतीय टीम पूरी तरीके से इंग्लैंड का सामना तीसरे मैच में करने के लिए तैयार है। हालांकि यह मैच भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम दोनों के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी उसका इस सीरीज पर कब्जा जमाने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिहार में कोरोना को लेकर प्रशासन एक बार फिर हुई अलर्ट। बिहार में भले ही कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही हो, मगर लोग अब और ज्यादा नरमी बरतते नजर आ रहे हैं। मामलों में गिरावट होने के साथ ही लोगों ने अब मास्क पहनना भी छोड़ दिया है, जिसके तहत प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड में काम कर रही है और एक बार फिर से मैराथन जांच की शुरुआत करने वाली है, जिसके तहत अब मास्क नहीं लगाने पर गाड़ियों को जब्त करने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के बाद परिवहन विभाग ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। बिहार के 38 जिलों में चेकिंग कराई जा रही है, जिसमें बस कंडक्टर, ड्राइवर सहित यात्रियों पर कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में फिलहाल खबर लिखे जाने तक 436 लोगों से जुर्माने की वसूली भी की गई है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे भवतोष दत्ता की। बिहार में कई प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, वहीं समय समय पर इन प्रतिभाओं ने अपना दमखम भी दिखाया है, जिसके कारण ही इनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गया है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भवतोष दत्ता की। भवतोष दत्ता का जन्म 21 फरवरी 1911 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। भवतोष दत्ता एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, अकादमिक और लेखक थे। उन्होंने चटगांव कॉलेज में पढ़ाया और बाद में कोलकाता के अर्थशास्त्र प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर बने, जहां उन्होंने बाद में एमेरिटस प्रोफेसर रहे। इसके बाद 1990 में उन्हें भारत सरकार द्वारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि 11 जनवरी 1997 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिया मिर्जा की खूबसूरत तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा शादी के बाद पति वैभव रेखी के साथ मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही है। दोनों की वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियोज जमकर वायरल हुए थे। अब दिया ने अपनी एक फोटो शेयर किया, जिसमें वो मंगलसूत्र पहनी हुई नजर आ रही है। उनकी इस फोटो को जमकर लाइक और शेयर किया जा रहा है। दिया मिर्जा ने अपनी इस तस्वीर को इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है। फोटो में वो मुंबई एयरपोर्ट में लाउंज पर बैठकर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर स्माइल है, लेकिन इस दौरान दिया बहुत सिंपल मंगलसूत्र पहने नजर आई हैं, जिसने फैंस को काफी ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया है। फैंस कमेंट बॉक्स में उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। पटना के टेक्सटाइल इंजीनियर ने बनाई कोरोना से लड़ने वाली चादरें। पटना के युवा टेक्सटाइल इंजीनियर हर्षलाल और उनकी टीम ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज किया है, जिसके तहत हर्षलाल और उनकी टीम ने कोरोना से लड़ने के लिए ऐसे केमिकल तैयार किए हैं जो कि एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल साबित हुआ है।
इसे वायरोसाइड्स नाम दिया गया है और किसी भी तरह के कपड़े पर इस केमिकल को यूज करने से कोरोना से बचाने की क्षमता रखता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस केमिकल को विभिन्न तरह के फैब्रिक के लिहाज से तैयार किया गया है। इस खास केमिकल की लेप चढ़ाई इन चादरों की खासियत यह है कि यह कोरोना सहित किसी भी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के संक्रमण के प्रसार को रोकने में समर्थन रखता है। 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक इस फैब्रिक की टेस्टिंग पिक्स टेस्टिंग एंड रिसर्च लैबोरेटरी द्वारा की जा चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिजली बिल के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक देश एक दर की मांग सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।